हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास के आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, जो है दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, नेटवर्क जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यानी कि हार्डवेयर जो हम लोग यूज करते हैं, इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे टर्म्स भी हैं जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। इस चैप्टर में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है वो हम लोग अपने पहले एजेंडा में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहां पर एक इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज में दोस्तों ऑलमोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे आप यहां पर देख पाएंगे। जैसे दोस्तों यहां पर अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इन सभी कंप्यूटर को दोस्तों जैसे कि वो चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपके पास लैपटॉप हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, कोई भी जो आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहां पर कंप्यूटर के बारे में ही ज्यादातर बात करेंगे। तो यहां पर दोस्तों जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे के सारे अपने पास क्या कहलाते हैं, वर्क स्टेशंस, और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स दोस्तों कनेक्ट है किसी एक सर्वर के साथ। सर्वर क्या होता है दोस्तों, वो मेन कंप्यूटर होता है जहां हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। जैसे अगर हम लोग दोस्तों फेसबुक को यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल में तो दोस्तों फोटो क्लिक हुई भी है, लेकिन क्या ये फोटो अभी दुनिया में सभी लोग देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फोटो को फेसबुक पे अपलोड करते हैं ताकि वो लोग उसको देख सके। तो हमने क्या करा दोस्तों, हमने हमारी एक फाइल को सर्वर पे भेजा है। तो सर्वर क्या है, आपके पास एक स्पेस है जहां पर हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ टोपोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे एक रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर दोस्तों सारे के सारे कंप्यूटर एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, मतलब एक रिंग शेप में जो है वो कनेक्ट है। तो यहां पर हम लोग ये जब नेटवर्क बनाते तो यहां अपन क्या बोल सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशन कह सकते हैं। एक मेन सर्वर भी अपना होता है। तो दोस्तों ये इसमें कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स लगे हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या क्या लगे हुए हैं, ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन को लेकर के, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अलग अलग टाइप होते हैं आपके पास में। जैसे कि दोस्तों आपके पास सबसे छोटा ज्योग्राफिकल एरिया वाइज होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे थोड़ा अगर अपन बड़ा देखते तो दोस्तों अपने पास आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा अपने पास आ जाता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फाइनली सबसे बड़ा अपने पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारे के सारे टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी होती है, मतलब यहां अगर आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। एक वायर देख रहे होंगे दोस्तों, वो वायर जो है वो किस तरीके से कनेक्ट करता है सभी कंप्यूटर को। तो फिजिकल जो कनेक्टिविटी होती है अपने पास उसको अपन क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है दोस्तों, सबसे इजी अपने पास होती है बस, उसके बाद अपन देखते हैं जिसको कहते हैं अपन रिंग, उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है स्टार, उसके बाद अपन देखते हैं ट्री, उसी टाइप से अपने पास आता है मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सब टोपोलॉजीज है, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे करी वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अपन बात करेंगे दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेज। नेटवर्किंग डिवाइसेज का मतलब क्या हो गया कि अगर दोस्तों मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने ऑफिस में अपने स्कूल में कुछ कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों मेरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मुझे शायद कोई वायर खरीदना पड़ सकता है जिसको अपन ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों उसमें मुझे RJ45 कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर्ड जैक 45। इसी तरीके से दोस्तों मुझे वहां पर खरीदना पड़ सकता है एक हब या फिर स्विच। अगर दोस्तों मेरा नेटवर्क थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो मैं वहां पर रिपीटर खरीद सकता हूं। अगर दोस्तों इस नेटवर्क में मुझे इंटरनेट को भी यूज करना है तो मैं वहां पर मॉडेम को भी खरीदूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, जैसे ब्रिज है या अपन कह सकते हैं राउटर है, गेटवे है, रिपीटर है, मॉडेम है, NIC है, बहुत सारे नाम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक एक करके दोस्तों हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। आखिर अपने पास कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे वायर्ड के थ्रू करें चाहे वायरलेस करें, ठीक है। जब भी हम लोग दोस्तों दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। दोस्तों एक नेटवर्क में कुछ कुल मिलाकर के 5 चीजें होती है, आपको यह समझना है। सबसे पहले दोस्तों सेंडर, अगर मैं आपको
व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं कौन हूं सेंडर और आप कौन है रिसीवर है, दो चीजें तो क्लियर। अब दोस्तों ये जो अपन डेटा भेजते हैं वो शायद वायर के थ्रू भी भेज सकते हैं और वायरलेस भी भेज सकते हैं। तो जो वायर्ड या वायरलेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन अपन कह सकते हैं चैनल। इसके साथ साथ दोस्तों जब मैं आपको डेटा भेज रहा होता हूं, चाहे मैं वीडियो भेज रहा हूं, चाहे आपको ऑडियो भेज रहा हूं, चाहे आपको टेक्स्ट भेज रहा हूं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा जाता है वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। डेटा किस फॉर्म में जाएगा, पैकेट्स के फॉर्म में। तो आप भेज क्या रहे हैं दोस्तों, सेंडर रिसीवर को क्या भेज रहा है, पैकेट्स भेज रहा है, डेटा भेज रहा है। किसके थ्रू भेज रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। चार नाम आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, पांचवा और लास्ट नाम आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों पांच चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सेंडर है, रिसीवर है, मीडिया है, या अपन एक और नाम दे सकते हैं इसको कम्युनिकेशन चैनल भी, ठीक है। फोर्थ अपने पास नाम क्या आ जाता है दोस्तों, जिसको अपन कह सकते हैं डेटा। अगर अपन सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेगा किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू और वो जो डेटा जाते हैं उनके पीछे रूल्स क्या है, उनके पीछे क्या लॉजिक्स लगते हैं, किस तरीके से ये सारा काम होता है, सारा प्रोसेस होता है, ये कौन करता है दोस्तों, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सम रूल्स और कह सकते हैं सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी बुक में डेफिनेशंस क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर, डेटा एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जब आपको एक नेटवर्क में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक ऑफिस है, सपोज उस ऑफिस में 15-20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कुछ लोग उसमें काम करते हैं, तो आप वो जितने भी लोग हैं दोस्तों अगर उनको प्रिंट देना है तो वो एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, मतलब वो रिसोर्सेज को, वो हार्डवेयर्स को शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को दोस्तों फाइल भी शेयर कर सकता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे डेटा शेयर करते हैं, वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी बात करें तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे फाइल शेयर कर सकता है, और इसी तरीके से अपन सॉफ्टवेयर्स भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो मेनली फोर टाइप्स के होते हैं, जिसको अपन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपन आगे भी पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मैं मेरे मोबाइल का डेटा अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करता हूं, मतलब मेरे मोबाइल के अंदर मैं कह रहा हूं कुछ फाइल्स पड़ी है, कोई फोटोज पड़ी है दोस्तों, मैंने क्लिक कर रखी है, इन फोटोज को दोस्तों अगर मैं अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका है दोस्तों मैं यहां पर वायरलेस एक्टिविटी करूं, जैसे दोस्तों जेंडर सॉफ्टवेयर होता है, शेयर इट सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप वायरलेस जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों ओटीजी केबल को भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक साइड में अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दें, एक साइड में अपने लैपटॉप पे या अपने पास जो भी कह सकते हैं मोबाइल उसमें कनेक्ट कर दें, और अपन देखेंगे दोस्तों तो दोनों के बीच में डेटा शेयर हो रहा है, मतलब दोनों क्या बन गए, एक टाइप का नेटवर्क बन गया। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल के अंदर कुछ गाने हैं और मैं उसको अपने ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनना चाह रहा हूं, तो अपन ने क्या कर दिया, दो डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क बना दिया। सिमिलरली दोस्तों आप अपने मोबाइल और अपने टीवी के बीच में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अपन कास्टिंग कहते हैं, जैसे अपने मोबाइल का जो डेटा है, मिरर इमेज जो बनती है टीवी में भी आपको दिखती है स्मार्ट टीवी में, तो वो भी क्या है, एक टाइप का आपके पास नेटवर्क। आप अपने मोबाइल की फाइल्स को दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के थ्रू, अगर वो वायरलेस है, जैसे वायरलेस जो अगर अपने पास, जैसे मेरे पास एचपी का प्रिंटर है, वायरलेस है दोस्तों, मेरे मोबाइल में जो फोटो जो भी इमेजेस हैं, चाहे वो कोई फाइल है, मैं सीधे उसको प्रिंट कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, मेरे मोबाइल और मेरे प्रिंटर के बीच में एक नेटवर्क बना दिया। ये जो नेटवर्क होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया जब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक स्कूल में जहां 40-50 कंप्यूटर्स लगे हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर दोस्तों अगर आपस में हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो है अगर अपन देखें तो एक बिल्डिंग के अंदर अपने पास कुछ कंप्यूटर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो कोई भी एक कंपनी है उसकी एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको अगर अपन आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक और नाम आता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हालांकि इसको अपन ट्रेडिशनली तरीके से यूज अब तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीका हो गया, इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड आज के टाइम पे हो जाता है, बट इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए।
क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ब्रांच है अपने पास, ठीक है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक और ब्रांच है इसी शहर में, ठीक है। जैसे मैं बात कर सकता हूँ, सपोज कि एक पंजाब नेशनल बैंक है, तो दोस्तों आपके घर के पास एक बैंक होगी, शायद आपके घर से 2-4 किलोमीटर दूर एक और होगी, फिर 2-4 किलोमीटर बाद और एक हो सकती है। तो ये जितनी भी ब्रांचेज है अगर एक ही शहर के अंदर और एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है दोस्तों, एक ही कंपनी की ब्रांचेज अगर आप एक ही शहर के अंदर को आपस में जोड़ना चाहते हैं, और अगर आप जोड़ते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या अपन शॉर्ट में मैन भी बोलते हैं इसको। हालांकि दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, रीजन बस इतना ही है कि आज के टाइम पर हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो जब ब्रांचेज अपने पास इतनी सारी हो जाती है तो अपन उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो वो अपने लिए थोड़ा सही पड़ता है। और अगर आप देखें तो दोस्तों केबल कनेक्ट करवाना, एक जगह से दूसरी जगह पर केबल्स लगाना, बीच में उन सभी को मेंटेन करना, वो अपने लिए थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और सिक्योरिटी का भी इशू अपने पास हो सकता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों जब ज्योग्राफिकल एरिया एक सिटी के बाहर जाता है, अब सिटी के बाहर कितना भी, दुनिया में कितना भी दूर हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं ये आपके पास कहलाता है एक वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट अलग अलग होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है एक ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं कहूँ एयरटेल कंपनी, एयरटेल कंपनी के जितने भी कस्टमर है दोस्तों, चाहे वो एक सिटी के अंदर हो, चाहे दूसरी सिटी से हो, चाहे इंडिया में कहीं और हो सकता है, ये कंपनीज अगर इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रही है, तो वहां पर भी जितने भी लोग हैं, क्लाइंट्स जो हैं इनके, वो सब आपस में किसके साथ जुड़े हैं दोस्तों, एयरटेल के साथ। तो एयरटेल क्या कर रहा है, अपन कह सकते हैं एक टाइप से वो अपना एक नेटवर्क बना रहा है, जो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब, वैन का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, दुनिया भर में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, और उनको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वायर्ड या फिर वायरलेसली, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आई होप दोस्तों नाम आपको क्लियर हो चुके हैं, बाकी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने पास आते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों। सबसे बड़ा तो यह है कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रिंटर और स्कैनर, जैसे मैं आपसे ये कह रहा था अभी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां दोस्तों 5-7 कंप्यूटर है, वहां अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को अगर प्रिंट करना है तो एक ही कंप्यूटर या दूसरा जो कंप्यूटर या तीसरा जो कंप्यूटर, दोस्तों ये कोई भी कंप्यूटर आपस में अपनी फाइल्स को जो है सीधे सीधे प्रिंटर को भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइल्स प्रिंट हो सकती है। तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंप्यूटर है दोस्तों, 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्रिंटर यूज कर सकते हैं, आप एक ही स्कैनर यूज कर सकते हैं, और ऐसे दूसरे और भी रिसोर्सेज जो हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करते हैं इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन भी लेता हूं दोस्तों 10 कंप्यूटर्स के बीच में, तो आप शायद जानते होंगे मैं वहां पर एक वाईफाई राउटर या कोई भी ऐसा कोई डिवाइस जैसे स्विच हब कुछ भी खरीद सकता हूं, तो जिससे क्या हो सकता है दोस्तों, मैं अपना डेटा भी शेयर कर सकता हूं, इंटरनेट का डेटा भी शेयर कर सकता हूं, साथ में मैं प्रिंटर स्कैनर इनको भी आपस में शेयर कर सकता हूं। तो आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, आप दोस्तों स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा था कि मैं अपने फेसबुक आईडी पे या फेसबुक अकाउंट पे मैं अपनी फोटो अपलोड कर रहा हूं, आप भी अपनी फोटो अपलोड करें, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों अपना डेटा फेसबुक के सर्वर पे अपलोड करते हैं। ये तो बात हो गई इंटरनेट के साथ। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं केवल एक नेटवर्क, सपोज लोकल एरिया नेटवर्क है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 20-25-30 कंप्यूटर हैं, वो जो भी डेटा प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद वो फाइल जो है वो सीधे अपने कंप्यूटर के सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है सर्वर पे एक फाइल पड़ी है और उस फाइल को कोई दूसरा यूजर जो है वो यूज करना चाहता है। तो इसका एक एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन। तो रेलवे रिजर्वेशन में क्या हो गया दोस्तों, दुनिया भर में कहीं से भी, मतलब अगर अपन देखें इंडिया में कहीं से भी या दुनिया में कहीं से भी, उस वेबसाइट्स को यूज करते हुए आप अपना टिकट कन्फर्म करवाते हैं। तो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है दोस्तों, वो डेटा स्टोर हो रहा है कहीं किसी सर्वर के ऊपर, ये तो इंटरनेट की बात कर रहे हैं। और किसी को भी जानकारी चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अपने कंप्यूटर से उस पर्टिकुलर सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, दोस्तों मैंने अपनी फाइल सर्वर पर रख दी और सर्वर से उस फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन। ठीक है, तो शेयर रिसोर्सेज है, इसका मतलब है बीइंग एबल टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क से कहीं से भी, आप इवन की नॉट ओनली सर्वर, आप यहां पर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से भी डेटा को शेयर करवा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरे मोबाइल के अंदर जो फाइल्स पड़ी है उसको मैं अपने कंप्यूटर में डालना चाह रहा हूं, कंप्यूटर की फाइल को मोबाइल में डालना चाह रहा हूं, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, अपना जो स्टोरेज है ना उसको अपन शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कैन शेयर सॉफ्टवेयर, आप अपने सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। 10-15-20 कंप्यूटर
पे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बजाय आप सर्वर पे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दीजिए और दूसरे सभी लोग उस सर्वर के थ्रू उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड सेंट्रली रादर देन ऑन ईच मशीन, हर मशीन की जगह आप सेंट्रली स्टोर कर सकते हैं। और इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो देखिए जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोस्तों उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें शेयर होती, तो साथ में वो अपने डेटा, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और साथ में कह सकते हैं वो कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसी टाइप से दोस्तों जैसे एडवांटेज देखे, अब अपन क्या देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज जैसे कोई बहुत बड़े नहीं है, नेटवर्क के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डिसएडवांटेज बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, नेटवर्क इज मोर कॉम्प्लेक्स, नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब ठीक है मेरे को मेरे मोबाइल को और मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इजी, लेकिन दोस्तों जब अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बात करें, वहाँ पर कितने सारे वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन होते होंगे, उनका डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस, उनके वायर्स, इतनी सारी चीज़ें अगर अपन देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सपर्ट बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके नेटवर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हो। अगर अपने नेटवर्क में इशू हो गया तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते, फिर अपन या तो नेटवर्क वाले पर्सन को अपन हायर करें या फिर अपन किसी को ऑन कॉल बुलाएं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलिस्ट स्टाफ को रखते ही रखते हैं। इसी टाइप से अपन देख सकते हैं कि इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज, अगर आपका नेटवर्क सही से मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल। तो उस नेटवर्क पे बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, क्योंकि नेटवर्क सही से मैनेज्ड नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास जो उस नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप पूरी नहीं दे पाएंगे, वो कह सकते हैं नेटवर्क की जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें थोड़ा मिस्टेक होगी ही होगी, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंट्रल सिस्टम। जैसे अपन कह सकते हैं जब अपन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और अगर अपन एक सेंट्रल सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो उस टाइम पर दोस्तों हम डिपेंड किस पे हो जाते हैं, अपने सर्वर पे, सेंट्रल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसी टाइप से एक और आता है, सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब दोस्तों हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेटा जब हम ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे डेटा को हैक तक कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जैसे आप देखते होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, वहां लिखा होता है HTTPS, ठीक है। बैंक की जो वेबसाइट्स होती है दोस्तों, वहां लिखा होता है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योरिटी आपको दे रहा होता है। आप दोस्तों व्हाट्सएप भी यूज़ करते होंगे, उसमें भी लिखा आता है डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अपने पास आता है कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, सबसे पहले दोस्तों होस्ट, होस्ट और नोड्स। होस्ट और नोड्स का मतलब क्या हो गया, तो अपन कह सकते हैं एक कंप्यूटर है जहां पर दोस्तों आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो वो आपका एक सर्वर होता है। जब अपन सर्विसेज लेते हैं तो किससे लेते हैं दोस्तों, सर्वर से लेते हैं। तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा, एक टाइप का होस्ट और एक नोड हो जाता है दोस्तों, वो अपन कह सकते हैं अपना सिंपल सा लैपटॉप या अपना कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। हमारा जो कंप्यूटर, अगर मैं अभी दोस्तों यूट्यूब के साथ जुड़ रहा हूं, तो उस टाइम पर एक नेटवर्क के टाइम दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर वो क्या है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, जो भी है, वो क्या एक टाइप का नोड हो जाता है, ठीक है। फिर अपने पास एक और नाम आता है दोस्तों, सर्वर। सर्वर मीन्स मेन वो कंप्यूटर जो हमारे रिक्वेस्ट को पूरा करता है, जैसे कि सर्वर हम लोग कह सकते हैं यूट्यूब का सर्वर, गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर। ऐसे दोस्तों अपने पास एक नाम आता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या हो जाता है, वो मशीन जो उस सर्वर के साथ जुड़ी है। तो मैं जैसे होस्ट और नोड कह रहा था, वैसे ही सर्वर एंड क्लाइंट भी आप कह सकते हैं। तो सर्वर इक्वल्स टू होस्ट और नोड्स इक्वल्स टू क्लाइंट आप कह सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास आता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर मतलब बहुत सारे आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, राउटर्स हैं आपके पास में, आप जानते होंगे वाईफाई राउटर, आपने नाम सुन रखा होगा, अगर आपने जियो फाइबर या ऐसे एयरटेल फाइबर ऐसे कुछ डैन के कनेक्शन
कनेक्शंस को या इनमें से और भी कोई दूसरे टाइप के नेटवर्क को जब आप यूज करते हैं तो आपके घर पे शायद एक राउटर लगा हुआ हो सकता है। ऐसे दोस्तों स्विच होता है, हब होता है और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में आपको आगे हम लोग बात भी करेंगे, है ना। इसके बाद एक नाम आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कोई केबल हो सकती है, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर्ड और वायरलेस अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, तीन टाइप के वायर और वायरलेस कनेक्शंस जो है उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके पास नाम आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जैसे NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने को क्या करता है, एक नेटवर्क बनाने की परमिशंस देता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो हमारे नेटवर्क में किस तरीके से काम करना है, वो भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से अगर अपन देखें तो नेटवर्क सर्विसेज भी होती है, ठीक है। एक नेटवर्क की सर्विसेज भी हैं, सच एस BNS है, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपके पास होती है। इसी टाइप से इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अपने पास आता है होस्ट और नोड्स, ठीक है। होस्ट और नोड्स इसका मतलब क्या होता है, तो आपके पास है द टर्म होस्ट और नोड्स रेफर्स टू द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। ऑफकोर्स If there were no need nodes, अगर कोई nodes नहीं है, जिसको आप वर्क स्टेशन भी कहते हैं, there would be no network at all. अगर आपके नेटवर्क में मेन वो computers ही नहीं है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, नोड ही नहीं है आपके पास, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो एक नेटवर्क ही नहीं होगा। एक नेटवर्क में एटलीस्ट दो computers तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों आता है सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हो गया, सर्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। अ सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क हैपन्स। इन अदर वर्ड्स अ सर्वर फैसिलिटेट नेटवर्किंग टास्क लाइक शेयरिंग ऑफ डेटा, रिसोर्सेज शेयरिंग, कम्युनिकेशन अमंग होस्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेन एक कंप्यूटर है जिसमें आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अगर आप गूगल के सर्वर पे जाएं, गूगल के वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करेंगे तो दोस्तों गूगल वहां से आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। सिमिलरली आप यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, तो उस टाइम आप किसी कंपनी के सर्वर को यूज कर रहे थे। सर्वर क्या है दोस्तों, एक कंप्यूटर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपसे रिक्वेस्ट लेता है और आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास नाम आता है दोस्तों क्लाइंट। क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट्स आर अ रिलेटेड टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर, ठीक है, दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि ये आपके पास इस टाइप का एक कंप्यूटर है। क्लाइंट क्या है आपके पास, क्लाइंट जो है आपके पास इस टाइप का एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर के साथ, ठीक है। तो कह सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। इन अदर वर्ड्स अ सर्वर कंप्यूटर सर्व्स द रिक्वेस्ट टू अ क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब आप क्लाइंट और सर्वर के बारे में बात करें तो मेरा कंप्यूटर दोस्तों अभी क्लाइंट है और मैं फेसबुक के सर्वर से, मैं यूट्यूब के सर्वर से या मैं गूगल के सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहता हूं। आप आई होप समझ में आ गया, क्लाइंट मतलब अपनी मशीन, अपन सर्वर जो है उसके क्लाइंट होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नाम आता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, नेटवर्क रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कैरी आउट वेरियस रोल्स सच एज एस्टेब्लिशिंग करेक्शंस, है ना। तो जो अपन कह सकते हैं बेसिकली कि नेटवर्क का ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना है, कह सकते हैं कि जो अपने पास कनेक्शन किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, ऐसे बहुत सारे आपके पास हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्डवेयर में अपन ने अभी कुछ नाम भी डिस्कस करे थे, तो अपने पास कुछ एक नाम आते हैं जैसे कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है दोस्तों, इट इज अ नेटवर्क कार्ड अटैच्ड टू अ होस्ट so as to establish network connection। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारे पास जो हमारा PC है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी, उसमें दोस्तों एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पे अपन क्या करते हैं, एक चिप लगाते हैं, बेसिकली इनबिल्ट आती है आजकल, पहले अपन को अलग से खरीद करके एक NIC जिसको आप इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी कहते हैं, उसको अपन को कनेक्ट करना पड़ता था। तो NIC मतलब क्या हो गया, आपके पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर में अपन जो RJ45 कनेक्टर, इंटरनेट की केबल जो अपन लगाते हैं जिस जगह पे, वो दोस्तों एक स्लॉट होता है, अंदर उसमें कार्ड लगा होता है, तो उस कार्ड को अपन क्या बोलते हैं, NIC कार्ड, ठीक है। कह सकते हैं एवरी NIC कार्ड हैज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। हर NIC कार्ड का, ठीक है, उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, MAC यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एक टाइप का कार्ड होता है कह सकते हैं NIC कार्ड के अंदर एक उसका यूनिक नंबर होता है। जैसे आपके बाइक अगर अपन देखें तो बाइक के पीछे जो एक नंबर लिखा होता है वो एक अलग नंबर है, लेकिन उसके इंजन पे जो नंबर लिखा होता है, इसी टाइप से दोस्तों आपके मोबाइल में भी एक MAC एड्रेस होता है। कोई भी डिवाइसेस जो दोस्तों नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, उन सभी का, चाहे वो आपकी स्मार्टफोन हो, चाहे स्मार्ट TV हो, चाहे आपका लैपटॉप, मोबाइल, कोई
भी डिवाइस जो भी नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है उसका एक स्पेशल नंबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस, ठीक है, जो कि आपके पास 6 बाइट का होता है, यानी कि 48 बिट का होता है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जब इसको बनाता है इस कार्ड को, है ना, उसी के साथ उसका एक नंबर दे दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है। जैसे मैंने कहा था, अगर बाइक को भी अगर अपन समझे तो जब इंजन लगा था, इंजन के ऊपर जो नंबर लिख दिया वो उसका एक फाइनली चेसिस नंबर जो अपन कहते हैं वो अपना हो जाता है। लेकिन जब अपन वो मार्केट में गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद अपन RTO से जो नंबर लेते हैं वो उसका एक दूसरा नंबर है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी दोस्तों जब अपन इंटरनेट से जुड़ते हैं दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। याद रखिएगा, मैक एड्रेस और IP address इंटरनेट से जुड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर अपन किसी भी नेटवर्क से जुड़ने के बारे में बात करें, चाहे वो इंटरनेट है चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, तो आपके डिवाइस का भी एक नंबर होता है, उसको अपन मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कह सकते हैं NIC इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको आप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं और टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, TAP। याद रखिएगा दोस्तों, इसके दूसरे नाम भी आपके सामने आते हैं। NIC के अलावा दोस्तों कुछ और डिवाइसेस भी आपके पास, जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, इनको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास हो सकते हैं जो अपन नेटवर्क कनेक्शन बनाते टाइम यूज में लेते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हो गया कि भाई आप वायर के थ्रू या वायरलेस कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी दोस्तों अपने मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आप यहां पर दोस्तों वायरलेस कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों यहां पर अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करें तो शायद आपने इसको वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास एक मॉडेम लगा हुआ हो और आपने केबल अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखी हो, जिसके थ्रू आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों आपके पास वायर्ड कनेक्शन है, और बिना वायर के तो इसका मतलब है कोई डिवाइस होगा आपके घर में ऐसा जो कि वायरलेस सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वायरलेस। तो वायर्ड और वायरलेस दो टाइप के आपके पास मीडिया मीडियम या चैनल होते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं वो कंप्यूटर जो कि किसी नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ने के लिए फिजिकल जुड़ने के लिए, या वायर्ड और वायरलेस जैसे भी जुड़ना चाहता है, तो उसके दो तरीके हैं, वायर्ड है और वायरलेस है। वायर कम्युनिकेशन चैनल में अपने पास तीन टाइप की केबल होती है दोस्तों, एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक अपने पास होती है कोएक्सियल केबल, और एक अपने पास होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, तीन टाइप की केबल्स होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप वायरलेस कनेक्शन देखना चाह रहे हैं तो सबसे कम दूरी का आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स, जैसे आपके टीवी और रिमोट के बीच में जो आपके पास जब आप कनेक्शन बनाते हैं रिमोट और टीवी का, तो उसमें दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स होती है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं वायरलेस। इसी टाइप से दोस्तों एक वाईफाई भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों वाईफाई जो है एक टेक्नोलॉजी है वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट की नहीं है। इंटरनेट को भी आप यूज कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, मतलब कई बार लोगों को लगता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपन वाईफाई यूज करते हैं, नहीं दोस्तों, आप दो लोग आपस में अगर डेटा शेयर करना चाहते हैं तो आप वाईफाई के थ्रू, जैसे जेंडर, शेयर इट, ऐसे ऐप जो हैं वो भी दोस्तों वाईफाई को यूज करते हैं, बिना इंटरनेट के आप डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, वाईफाई की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। इसके बाद आपके पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, ये आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम के अंदर जो है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, वायर्ड और वायरलेस, कोई वायर्ड टेक्नोलॉजी जो भी आपके पास है, मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए आप कौन कौन से वायर को यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक भी आपके पास में, और कोएक्सियल केबल भी है। वायरलेस अगर पूछा जाता है तो आप इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए दोस्तों, प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके पास सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारे नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब प्रोटोकॉल रेफर्स टू अ प्री डिसाइडेड सेट ऑफ रूल्स यूजिंग विच ऑल पार्टीज ऑफ अ नेटवर्क कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर। तो आप जब नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं,
उन सॉफ्टवेयर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है किस तरीके से मेरे कंप्यूटर का डेटा आप तक आएगा। अगर इनक्रिप्टेड है तो इनक्रिप्ट कैसे होगा, आपकी साइड में डिक्रिप्ट कैसे होगा, कौन से चैनल से आएगा, कौन से मीडियम से, कौन से रूट से आएगा, पैकेज कैसे बनेंगे, फ्रेमिंग कैसे बनेंगी, सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन क्या होगा, उनका सेशन कौन कंट्रोल करेगा, ऐसे बहुत सारे काम अपन प्रोटोकॉल्स में देखते हैं। कुछ कॉमन नाम भी आपने सुन रखे होंगे दोस्तों, जैसे कि HTTP होता है, HTTPS है, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पास होता है, एक SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स भी अपने पास होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल नेटवर्किंग टास्क। एक सर्वर पे, एक नेटवर्क पे किस तरीके से दोस्तों अपना काम होता है उनको मैनेज करने के लिए भी आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS की जरूरत पड़ती है। तो ये टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं। इसी टाइप से कुछ नेटवर्क सर्विसेज आपके पास होती हैं जिनको भी आपको जानना जरूरी होता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक नेटवर्क पे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बहुत सारे काम करती है। अब उनको किस तरीके से, उनके फंक्शंस हैं, उनको कैसे मैनेज करना, ये सारे काम भी आपकी नेटवर्क सर्विसेज हैंडल करती है। तो कह सकते हैं दिस रेफर्स टू द एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनलिटीज इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, तो इसके बाद कह सकते हैं ओवर अ नेटवर्क सच एज DNS, जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। मतलब जब अपन फेसबुक से कनेक्ट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, www.facebook.com। तो ये facebook.com आपने जो URL लिखा है, ये क्या है, उसका एक डोमेन नेम। तो दोस्तों किस तरीके से डोमेन नेम जो है आपके पास में वो वापस कन्वर्ट होता है IP में, IP से कैसे वो वापस कन्वर्ट होता है डोमेन में, ये जो प्रोसेस आपके पास होता है एक टाइप की सर्विस है बेसिकली, तो ये आपके पास DNS होता है। फाइल शेयरिंग, किस तरीके से फाइल शेयर होगी, इसी टाइप से VOIP होता है, वॉइस ओवर आपके पास में कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अपन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों VOIP की फुल फॉर्म यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कॉलिंग करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल होता है VOIP का। ऐसी बहुत सारी सर्विसेस आपके पास है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या अपने पास होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लैन, वैन, वैन और पैन, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% मिलने वाले हैं। या तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 2-2 मार्क्स वाले में, या फिर ये आपको मिल सकता है दोस्तों एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी मिल सकता है ये, क्योंकि इसमें कई बार पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क दोस्तों फिर आपको पूरा डिस्क्राइब करना हो सकता है, या फिर आपसे पूछा जाता है लैन और वैन के बीच में डिफरेंस क्या है, मैन और पेन के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या था, अपने डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर टू अ चेन ऑफ अ फ्यू 100 कंप्यूटर्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 भी हो सकते हैं और आपके पास सैकड़ों कंप्यूटर भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वो आपके पास नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर PCs हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं वो भी आपके पास हो सकते हैं, तो किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। अब ये पूरे दुनिया भर में भी हो सकते हैं, जैसे अगर अपन बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपके पास में गूगल या ऐसी और भी कंपनीज के बारे में, तो वो आपको दोस्तों पूरी दुनिया भर के अंदर से कहीं पर भी आपको सर्विसेज दे रही है। तो उस टाइम पर हो सकता है कि जब वो नेटवर्क के बारे में बात करें, या अपन बात करें इंटरनेट को लेकर के, तो दोस्तों जब अपन इतने बड़े नेटवर्क में अगर बात करें तो हो सकता है वहां आपके पास आपका स्मार्टफोन भी कनेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है आपका लैपटॉप कनेक्ट हो रहा हो, डेस्कटॉप कनेक्ट हो रहा हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो, मिनी कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो, सुपर कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे कितने भी अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर सकते हैं दस नेटवर्क्स वेरी इन अ साइज, एक नेटवर्क जो है वो साइज पे भी डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड ऑन साइज हो सकता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उस पर भी डिपेंड करता है।
अगर अपन बात करें दोस्तों, अगर जब नेटवर्क को अपन डिवाइड करते हैं, मतलब एक नेटवर्क किस टाइप का है, अगर मैं बात करता हूं दुनिया भर के अंदर अगर अपन का एक नेटवर्क है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से दोस्तों उससे थोड़ा छोटा है, मतलब एक सिटी जितना ही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे भी थोड़ा छोटा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर ही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक रूम के अंदर दोस्तों, जहां मैं अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप को आपस में कनेक्ट करता हूं, तो वो क्या बन जाता है, अपने पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो आपके पास नेटवर्क है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जनरली अगर अपन देखें तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, तो उनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों नेटवर्क आपके पास चार टाइप के होंगे। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे जो छोटा आपके पास होता है, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया सबसे छोटा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या आता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद दोस्तों नाम आता है आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब इसका ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा और बढ़ जाता है पूरी सिटी तक। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो सिटी से बाहर आप कितना भी बाहर, चाहे आपका पूरा स्टेट ले सकते हैं, कंट्री ले सकते हैं, या पूरे दुनिया भर में भी कहीं पर भी, तो इतना बड़ा आपके पास हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनकी एक लिमिट है, पर्सनल एरिया जो शायद कुछ मीटर तक रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग भर में हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर भर में हो सकता है, और वाइड एरिया नेटवर्क उस शहर के बाहर चाहे कितना भी दूर। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क कुल मिलाकर के दोस्तों चार टाइप के नेटवर्क है अपने बुक के अंदर, इनको अपन को समझना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मेरा एक लैपटॉप और मेरा एक कंप्यूटर है, आपस में मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ फाइल्स अपन कर सकते हैं साथ में दोस्तों, आप इसमें पीडीए को, अपने मोबाइल फोन को, अपने प्रिंटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस मेरे हैं, मैं इनको किसी तरीके से यूज करता हूँ, तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा आपने पिछली बार भी बात कर रखी थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल और अपने स्पीकर को, अपने मोबाइल और अपने कार के स्पीकर को, या आपके पास में जो भी दूसरे डिवाइसेज है, हेडसेट है, जो कुछ भी, तो दोस्तों ये भी आपके पास क्या बन जाता है, आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके पास जो स्मार्ट वॉचेज होते हैं आजकल, वो अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करें तो दोस्तों वो भी आपके पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर अगर कनेक्ट होता है आपके वाईफाई प्रिंटर के साथ या वायर्ड प्रिंटर के साथ में भी, तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, अपने खुद के कुछ पर्सनल डिवाइसेज हैं, आपस में अगर अपन को कनेक्ट करते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेज विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 meters, आप 10 मीटर के रेंज में आप इसको यूज कर सकते हो। उससे दूर लेके जाएंगे तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू, डेटा इशू होगा, और उसके बाद तो शायद ये यूज आएगा भी नहीं, काम भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहूं कि आपको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी अवेलेबल करवानी, तो शायद आप कुछ फिट तक करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर में आपने एक डिवाइस लगा रखा और आप 10 दिन जाकर के उसके मोबाइल को ले जाकर के वहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एक रेंज होती है लगभग 10 meters अपन कह सकते हैं, इसे थोड़ा सा ज्यादा कम भी चल सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है आपके पास, उसको कहते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाता है दोस्तों, तो कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, उसके अंदर के कुछ डिवाइसेज है, उनको अपन अगर आपस में कनेक्ट करते हैं, उन कंप्यूटर्स को, उन प्रिंटर्स को, उन कह सकते हैं कि जो दूसरे आपके पास हार्ड डिस्क है, स्कैनर है ना, उन चीजों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर डेटा, इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक किसी कंपनी के कुछ कंप्यूटर्स हैं, और एक ही बिल्डिंग में, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। वो कंप्यूटर जो सर्वर के साथ जुड़ते हैं, उन सभी कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क में वर्क स्टेशन। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि शहर भर के कुछ कंप्यूटर्स हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती है, वो अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन विच रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया एज बिग एज अ सिटी, मतलब बड़ा हो सकता है लगभग एक शहर जितना बड़ा, ठीक है, बट दिस टर्म हैज बिकम रिडंडेंट।
मतलब मैं आपको ये कह चुका था कि ये जो आपके पास मेन होता है इसको अपन ट्रेडिशनल तरीका हो गया, अब अपन इसको यूज नहीं करते हैं, इससे अच्छा रहेगा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटरनेट। तो जनरली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपन जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं उनको जोड़ने के लिए आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, एक शहर बढ़ रही है, फैल जा रही है, तो वहां अपन क्या करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को यूज कर लेते हैं। तो इंटरनेट अपने लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। अदरवाइज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसको मेंटेन करने में और दूसरे भी आपके सामने बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपन इसको यूज आजकल नहीं करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक और नाम आता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है वाइड एरिया नेटवर्क इक्वल्स टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क एक ही है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ एक जियो कंपनी, तो जियो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स है, ठीक है, वो पूरे इंडिया भर के अंदर हो सकते हैं, इंडिया के शायद बाहर भी हो सकते हैं सर्विस अगर दे रही है कंपनी। इसी टाइप से एक एयरटेल कंपनी, एक वोडाफोन कंपनी, इंडिया में BSNL, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है। तो ये सारी कंपनी जिनका नेटवर्क क्या है, एक सिटी से भी बाहर तक फैला हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे दोस्तों जब बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क आपस में जब जुड़ते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अपन कह सकते हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं से भी, वो जितने भी कंपनीज हैं, वो जितनी भी ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लैन है, ये सब आपस में मिल करके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट, शॉर्ट में आजकल अपन नेट बोलते हैं, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और ऑन अ वेरी बिग ज्योग्राफिकल एरिया नोन एज वैन्स, ठीक है। तो वैन्स का मतलब या वैन का मतलब क्या हो गया, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और कह सकते हैं अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर स्प्रेडेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, तो जो स्प्रेडेड किसमें है, एक लार्ज डिस्टेंस में स्प्रेड है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स। जनरली अपन कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़ने के लिए अपन कुछ पब्लिक नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं, सच एज द टेलीफोन सिस्टम हो सकता है आपके पास में, या समटाइम्स दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू लेंस लाइन भी हो सकता है, और सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये है आपके पास दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, मैन और पेन, ये चारों नाम अपन ने डिस्कस कर लिए, ये सब आपको अच्छे से समझना है। ओके दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक भी होता है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन देखें टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, एक है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक सर्वर बना सकते हैं, एक टाइप से लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा एक कह सकते हैं कंप्यूटर, इस टाइप से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर के जुड़ते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एक लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन दूसरी साइड में आप देखते हैं दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क आपके सामने आता है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि एक नेटवर्क है, दूसरा एक और नेटवर्क है, ऐसा एक और नेटवर्क है, ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क जुड़ सकते हैं, और ये आपके पास क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, एक इमेजेस के थ्रू आपको बताया है। इसी टाइप से दोस्तों इनमें एक डिफरेंस और भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से डिफरेंस अपन देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी पूछते हैं लैन और वैन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो लैन क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा उसका ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत छोटा मतलब एक बिल्डिंग के अंदर, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा उसका एरिया हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा, मतलब शायद दुनिया में कहीं पर भी कितना भी बड़ा, आप इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि लैन के अंदर इट यूजुअली कॉस्टलेस टू सेटअप इट, तो अपन कह सकते हैं कि इसको सेटअप करना थोड़ा आपको सस्ता पड़ सकता है, लेकिन अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क को खुद कनेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। इसी टाइप से कह सकते हैं इट इज यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, लैन क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ सकते हैं, तो वो आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे दोस्तों इनके बीच के डिफरेंसेस भी। कहीं पर भी आपको कोई भी इश्यूज होते हैं दोस्तों, आप वही हाथों हाथ कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक तो आप जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी का आखिर मतलब क्या है दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकली आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब एक नेटवर्क में दोस्तों अगर 5 कंप्यूटर हैं, तो उन 5 कंप्यूटर्स को किस तरीके से अपन आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी डिजाइन क्या रहेगी, उनका आर्किटेक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों बहुत सारी अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है,
हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो दोस्तों ये सारी के सारी टोपोलॉजीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके पास में जो ये टोपोलॉजीज होती है इनके एडवांटेज क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले टोपोलॉजीज, आखिर टोपोलॉजीज होती क्या है। टोपोलॉजीज का मतलब है कि वो कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। साथ में कुछ एक नाम जो मैं आपको अभी भी बता चुका हूं कि बस, रिंग, स्टार ट्री, मैश, फुली कनेक्टेड, हाइब्रिड, ये सब क्या है आपके पास टोपोलॉजीज होती है। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है, यहाँ पर बस टोपोलॉजीज भी है, रिंग टोपोलॉजीज भी है, मैश टोपोलॉजी भी है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी है, एक एक करके अपन इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पास जब अपन टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, अगर दोस्तों मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में अगर एक टोपोलॉजी बनानी है, तो उसके लिए पहले अपन के पास कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जिसके बेस पे डिसाइड कर सकें कि मैं बस टोपोलॉजी को बनाऊं, या मैं रिंग टोपोलॉजी को बनाऊं, या फिर मैं स्टार टोपोलॉजी को यूज करूं, या फिर मैं ट्री टोपोलॉजी को यूज करूं, या कोई दूसरी टाइप की टोपोलॉजी। तो उसके पीछे दोस्तों तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है कॉस्ट। देखिए अगर मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूं तो मुझे इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि कॉस्ट मेरी कम से कम आए। ऐसा नहीं हो कि मैं सोच रहा हूं यार मुझको ना यहाँ पर जो टोपोलॉजी यूज करनी है वो मैं यूज कर लेता हूँ मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है दोस्तों, सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों उसमें क्या होगा, अगर मेरे नेटवर्क में 100 कंप्यूटर है तो दोस्तों 100 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक एक कंप्यूटर को दोस्तों 100 अलग अलग 99 कंप्यूटर्स के साथ मुझे सबके साथ कनेक्टिविटी करनी है, और ऐसी कंप्यूटर नंबर 2 को फिर से सबके साथ कनेक्टिविटी, 3 को फिर से सबके साथ कनेक्टिविटी, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मुझे यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखना है कि एक तो मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। तो क्या है, फॉर अ नेटवर्क टू बी कॉस्ट कह सकते हैं इफेक्टिव, आपका जो नेटवर्क है वो कॉस्ट इफेक्टिव आपका होना चाहिए। वन वुड ट्राई टू मिनिमाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर मैं अपना एक नेटवर्क बना रहा हूं तो दोस्तों मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम आनी चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आज मैं जो नेटवर्क बना रहा हूं, हो सकता है इसमें से कुछ कंप्यूटर्स को मुझे यहां से हटाना पड़ सकता है, या कुछ नए कंप्यूटर को और मैं इस नेटवर्क के अंदर ऐड करना चाहता हूं। हो सकता है कि अपना जो स्पेस है वो जब बड़ा होगा उसमें और कुछ लोग बैठ के काम करेंगे, तो उनके कंप्यूटर्स को भी अपन कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वहां पर आपने जो नेटवर्क बनाया है वो नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि नहीं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, इंटरनल वॉल्स एक्सेट्रा इन ऑफिस इज ऑफन सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब अपने ऑफिस में कभी फर्नीचर चेंज होते हैं दोस्तों, कभी इंटरनल वॉल्स चेंज होती रहती है, उस चक्कर में अपने कई बार कंप्यूटर की डिस्टेंस बढ़ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और नए कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स वहां से हट सकते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन को यहां देखना होता है। तो कह सकते हैं द टोपोलॉजी शुड फॉलो, कह सकते हैं द टोपोलॉजी शुड अलाउज फॉर इजी रिकॉन्फिगरेशन टू द नेटवर्क। तो अपन अपने नेटवर्क को रिकॉन्फिगरेशन कर सके, ऐसा अपने को अपनी टोपोलॉजी अलाउ कर सके, तो वैसे ही अपन को अपनी टोपोलॉजीज बनानी चाहिए। तो पहला क्या था, कॉस्ट। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और दोस्तों तीसरा और लास्ट अपने पास है यहाँ पर कि वो आपका नेटवर्क जो है वो रिलायबल आपका होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कहीं कोई मैलिशियस फंक्शंस आ रहे हैं आपके पास तो आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर सके। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आया एक सिस्टम में आया तो कोई नहीं, बाकी वाला नेटवर्क आपका प्रॉपर तरीके से काम कर सके, इस चीज को भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि कहीं आपका नेटवर्क पूरा का पूरा तो फेल नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क तो बंद नहीं हो जाएगा। तो आपका नेटवर्क कितना रिलायबल है आपको इस चीज को भी ध्यान रखना होता है। तीन ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक को लेकर के। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है दोस्तों, आप जब टोपोलॉजीज क्रिएट करते हो तो जनरली क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। द टोपोलॉजी इज, या कह सकते हैं दिस टोपोलॉजी इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी वेयर ईच नोड इज कनेक्टेड विद एवरी अदर नोड वाया केबल। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ केबल्स के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इट इज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वेयर द लिंक कैरीज ट्रैफिक बिटवीन द टू डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड। तो यहां पर अपन कह सकते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में आपका डेटा जो है वो एकदम आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपके पास होता है।
यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है जैसे मर्स रिंग स्टार्टिंग मैश फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ये जो आपके पास है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे द बस और लीनियर टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी को अपन और एक नाम दे सकते हैं, वो क्या है दोस्तों, लीनियर टोपोलॉजी। यहां पर लीनियर का मतलब क्या हो गया, सभी के सभी कंप्यूटर एक लाइन में होते हैं। तो एक इमेज देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक कह सकते हैं आपके पास एक कोएक्सियल केबल को यूज किया गया है, ठीक है, और यहां पर अपन जो है वो यूज कर सकते हैं कुछ कंप्यूटर्स को। तो यहां पर एक केबल आप देख रहे हैं, इस केबल के अंदर दोस्तों डायरेक्ट सभी के सभी कंप्यूटर जैसे पीसी ए पीसी बी पीसी सी डी ई सब इस एक केबल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर दोस्तों वो यहाँ पर जो है बीएनसी टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं उनको यूज करते हुए इनको कनेक्ट किया जाता है। इस केबल के दोनों साइड में दोस्तों अपन टर्मिनेटर को यूज करते हैं जिससे कि आपका डेटा इस केबल के बीच में फ्लो करता रहे, इस केबल के दूसरे पॉइंट से बाहर नहीं जाए, ठीक है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन जो है वो थिक और थिन कह सकते हैं कोएक्सियल केबल्स को अपन यूज कर सकते हैं। थिक जो है वो मेन आपके पास होती है जिसमें डेटा आपका कैरी होता है, और थिन कोएक्सियल केबल होती है जो एक एक सिस्टम को उस केबल के साथ कनेक्ट कराती है, उस कनेक्टर के साथ जोड़ती है। इसको अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, देखते हैं इसकी लैंग्वेज में क्या बन सकता है। तो बस टोपोलॉजी क्या है, अब बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, एक ही केबल के साथ सारे के सारे कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं। द केबल टू विच द नोड्स कनेक्ट इज कॉल्ड अ बैकबोन, तो उस केबल को जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसको अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बैकबोन बोल सकते हैं। इफ द बैकबोन इज ब्रोकन द एंटायर सेगमेंट फेल्स, अगर वो मेन केबल ही अगर अपनी कट गई टूट गई कुछ हो गया तो दोस्तों आपका फिर पूरा नेटवर्क रुक जाएगा, ठीक है, यहां अपन को इस चीज को ध्यान रखना है। फिर कह सकते हैं द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन ट्रेवल द लेंथ ऑफ द बस, आपकी बस की जितनी बड़ी लेंथ है उसके बीच में आपका डेटा ट्रेवल करता रहेगा इन बोथ डायरेक्शन, हो सकता है यहाँ से उधर जाए और यहाँ से वापस इधर भी आ सकता है। एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल अदर स्टेशंस, तो यानी कि जो भी आपके सिस्टम बीच में लगे हैं, बीच में जो कंप्यूटर लगे हैं उन सभी से रिसीव होते हुए डेटा आप तक पहुँचता है। द बस हैज टर्मिनेटर्स एट आइदर एंड विच एब्जॉर्ब कह सकते हैं द सिग्नल रिमूविंग इट फ्रॉम द बस, तो आपके सिग्नल्स जो है वो बस से बाहर नहीं जाए उनको रोकने के लिए अपन दोनों साइड के अंदर टर्मिनेटर्स को यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको इमेज में भी दिखा भी रहा था। इसमें अपन अब बात करने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के। दोस्तों एडवांटेज क्या है, ये जो टॉपिक अभी अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में इस टाइप को लेकर के कि एक लोकल एरिया नेटवर्क अगर अपन बात करें जिसके अंदर एक बस टोपोलॉजी यूज की जा रही है तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, या स्टार्ट टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज क्या है, क्योंकि एक ही केबल लगती है, सारे के सारे कंप्यूटर उसी के साथ जुड़ते हैं, तो शॉर्ट केबल लेंथ एंड सिंपल वायरिंग लेआउट, एक बहुत कम वायर इसमें लगता है और बहुत सिंपल वायरिंग लेआउट आपका इसमें होता है। उसके बाद बात कर सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इजीली आपके पास होता है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि इसको आगे एक्सटेंड करना भी इसको बहुत इजी आपके पास हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज है। और अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज ये दोस्तों, उसमें फॉल्ट ढूंढना जो है कई बार आपको थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्ट हो सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं फॉल्ट आइसोलेशन जो होता है आपके पास फॉल्ट को ढूंढने के बाद सही करना, ये भी कई बार आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि रिपीटर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आपके पास जो है वो डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसी के अलावा कह सकते हैं नोड्स मस्ट बी इंटेलिजेंट, कौन सा डेटा कौन से नोड में जाएगा, कौन डेटा किसको प्रोसेस करेगा, वो भी यहाँ पर आपके को यानी कंप्यूटर को और आपके डिवाइसेस को पता होना चाहिए, तो नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी को आप सर्कुलर टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े एक रिंग वाइज, जैसे कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से भी जुड़ा होगा, और अगर बी के बारे में बात करें तो बी ए से भी जुड़ा होगा और बी सी से भी जुड़ा होगा। इसी टाइप से अगर डी को देखेंगे तो डी सी से भी जुड़ा होगा और ई से भी, तो नहीं आपके पास एक टाइप की रिंग इसमें होती है। इसमें देखते हैं दोस्तों रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईच या कह सकते हैं वेयर डिवाइसेस कनेक्ट्स क्रिएट अ सर्कुलर डेटा पाथ, इसमें आपके पास एक सर्कुलर डेटा पाथ होता है, दोनों साइड से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर्स, एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, ठीक है, लाइक पॉइंट ऑन अ सर्कल। इसी टाइप से कह सकते हैं टुगेदर डिवाइसेज इन अ रिंग टोपोलॉजी आर रेफर्ड टू एज अ रिंग नेटवर्क,
तो इस टोपोलॉजी को जो है अपन रिंग नेटवर्क भी कह सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो यही है दोस्तों, इसके अंदर भी जो आपकी केबल है वो शॉर्ट लेंथ में लगती है। इसके अलावा कह सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा वायर कॉस्ट आपके पास नहीं लगता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नो वायरिंग क्लोजेट स्पेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपके जो वायरिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो कोई स्पेसेस को लेकर के ना वो एक फिक्स चीज नहीं है, आप चाहें जिस हिसाब से इसको मोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, इसमें आप ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में आता है नोड फेलियर कॉजेज नेटवर्क फेलियर। अगर आपका कोई नोड फेल हो गया है, जैसे कंप्यूटर नंबर बी में गड़बड़ है, ए को अगर कंप्यूटर भेजना है सी को, तो ए सी को भेजेगा किसके थ्रू, बी के थ्रू, और बी का जो नोड है वो फेलियर हो चुका है, तो वहाँ आपका इशू हो सकता है। हालांकि वो दूसरी साइड से भी डेटा को भेज सकता है, ये उसका एडवांटेज भी है कि अगर एक सिस्टम फेल भी हो गया तो दूसरे पाथ से भेज सकता है, लेकिन दूसरा पाथ अगर कहीं बिजी है तो फिर आपका वेटिंग जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू डायग्नोस फॉल्ट, इसमें फॉल्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि एक कंप्यूटर लगेगा तो फिर इधर का भी वायर हटाओ, उधर का भी वायर हटाओ, दोनों को इस नए वाले वायर में जोड़ो, तो यहाँ आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतना कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। देखिए मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल वाइज, तो दोस्तों हर ऑफिस में हर जगह, जैसे अगर मैं कहता हूँ आप अपने स्कूल में या कहीं और भी ऑफिस में देखते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर अपन स्टार और ट्री टोपोलॉजी को यूज करते हैं। हमारे स्कूल में दोस्तों हम लोग ट्री को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बीच में स्विच को यूज करते हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब स्विच में लगा देते हैं, तो वहाँ आप एक डिवाइस यूज करते हैं, सेंट्रल सिस्टम यूज करते हैं, सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं जिसमें सभी कंप्यूटर की केबल आप उसमें कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास आता है दोस्तों एक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। इसमें सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट आपके पास होता है दोस्तों, जिसको अपन कह रहे हैं यहां पर हब या स्विच, जो भी आप यूज करें, जनरली अपन हब की जगह स्विच को ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं स्टार्ट एक मोर केबल है ना, तो इसमें जो केबल्स है वो आपको ध्यान रखना है, एक कंप्यूटर लगेगा उसकी केबल लगेगी, एक और लगेगा एक और केबल लगेगी, और केबल सीधे वो कहां जाएगी, आपके स्विच तक। तो ये कह रहा है अ स्टार टेक मोर केबल देन अ बस, बस जो है उसमें केबल कम लगती है क्योंकि एक ही केबल पे सब जुड़ जाता है, जबकि इसमें केबल थोड़ी आपकी ज्यादा लगती है। बट द बेनिफिट इज दैट इफ अ केबल फेल्स, यानी कि एक केबल अगर आपकी खराब होती है तो दोस्तों बाकी का तो नेटवर्क आपका चलता ही रहेगा। जैसे बस में क्या था, एक केबल खराब हो गई, मेन केबल आपकी, ठीक है, तो वो अगर खराब हो गई, जो आपके पास थिक केबल जो थी है ना, अगर मेन केबल वो अगर आपकी खराब हो गई तो दोस्तों पूरा नेटवर्क रुक जाएगा आपका, लेकिन इसमें एक सिस्टम जो है वही बंद होगा, बाकी आपका नेटवर्क चलता जाएगा। हाँ, अगर मेन आपका जो सर्वर है या कह सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर आपका जो स्विच है अगर वो बंद हो गया, उसमें कहीं इशू हो गया, तो फिर आपका पूरा नेटवर्क रुक जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं तो इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं। इसके एडवांटेज दोस्तों इसकी कह सकते हैं ईज ऑफ सर्विस, इसकी सर्विसेज जो है वो बड़ी इजी है, आप सीधे केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं वन डिवाइस पर कनेक्शन है, ये भी इसका एक एडवांटेज होता है दोस्तों। सेंट्रलाइज कंट्रोल है और प्रॉब्लम को डायग्नोज करना सेंट्रली हो सकता है, तो ये आपके पास इसका एक बेनिफिट है। जिस कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है उसकी केबल चेक कर लो, अदरवाइज आपका जो, क्योंकि अगर मेन अगर आपका स्विच सही चल रहा है, बाकी सब में चल रहा है, तो पक्का आपके केबल में ही कोई इशू होगा। सिर्फ एक ही कंप्यूटर को आपको चेक करना है, एक ही केबल को आपको चेक करना होता है। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज दोस्तों वो है लॉन्ग केबल लेंथ, क्योंकि इसकी केबल लेंथ जो ज़्यादा होती है बस के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ, और डिफिकल्टी टू एक्सपांड, इसको एक्सपांड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके पास, क्योंकि अगर आप अपने स्कूल में देखें तो एक रूम, मतलब कह सकते हैं एक सर्वर रूम है, वहां से आपको एक सबसे लास्ट वाले रूम में अगर कनेक्शन चाहिए तो वहां की केबल इतनी घुमा करके आपको यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। बीच में अगर कोई सिस्टम आपको चेंज करना है तो दोस्तों आपको एक इतना बड़ा केबल और इसके बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। हालांकि इसकी जगह अपन फिर ट्री को यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर जैसे मैं बात करता हूँ मेरे स्कूल में एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम से अपन ने एक कनेक्शन बाहर निकाल रखा है, आगे एक केबल आई है दोस्तों, वहां अपन ने फिर से कुछ स्विचेस ऐड कर लिए, स्विचेस को अपन ने अलग अलग रूम में डाल दिया, फिर एक केबल आगे गई, वहां अपन ने आगे एक और स्विच लगा दिया और आपका कनेक्शन आगे जा सकता है। इस तरीके से आगे कहीं एक और स्विच अपन ने लगा दिया, डेटा आपका और आगे जा सकता है। तो इस तरीके से अपन जो है वो स्विच जो स्टार टोपोलॉजी को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहे तो फिर आपके पास यहाँ पर एक और नई टोपोलॉजी आ जाएगी, जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी, अपन अभी डिस्कस भी करेंगे।
तो नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कुछ इस टाइप की होती है, एक जगह पे कुछ कंप्यूटर है, कुछ आपने और कनेक्ट कर रखे, फिर वो आगे जाएगा तो उसके साथ में फिर कुछ एक नई ब्रांच, फिर एक और नई ब्रांच जोड़ दी जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि एक मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में अपने एक सर्वर लगा रखा है, वहां से अपने डेटा आगे भेज रखा है, ठीक है, डेटा आगे जा रहा है दोस्तों, कहीं स्विचेस अपन ने अगर कनेक्ट कर रखे तो एक स्विच की केबल ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही है, उसको अपने तीन चार रूम में डाल दिया, फिर आगे एक और स्विच लगा दिया अपन, तो क्या हो रहा है, एक सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम, उसके अंदर एक और सिस्टम, इस टाइप से अपना काम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर मेनी कनेक्टेड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड लाइक द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री टोपोलॉजीज आर फ्रीक्वेंटली यूज टू ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स इन अ कॉर्पोरेट नेटवर्क और द इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। तो जनरली दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो स्टार को यूज किया जाता है, और स्टार को थोड़ा और अगर आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो फिर आप वहां पर उसको ट्री टोपोलॉजी कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ बात कर सकते हैं ट्री टोपोलॉजी इज द बेस्ट सुटेड फॉर एप्लीकेशंस व्हिच हैव अ हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल। तो जनरली अपन दोस्तों इसी को यूज भी लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेज है, ये है कि इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, उसके बाद इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। इसके डिसएडवांटेज क्या आते हैं कि ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबल यूज। आप जो केबल यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप ट्विस्टेड पेयर कर रहे हैं तो दोस्तों उसकी एक लिमिट है, उसकी जो स्पीड है वो लिमिट में मिलती है आपको, है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि केबल कैसी है, उसकी केबलिंग के बेस पर आप उसकी लिमिट भी डिसाइड कर पाते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। मतलब अगर दोस्तों मैं कह रहा था कि एक केबल आगे निकली, वो फिर आगे कनेक्ट होकर आगे निकली, फिर उसके आगे सर्कल चलता रहा आपका, तो कह सकते हैं बीच में कहीं पर अगर कोई केबल गड़बड़ हो गई तो दोस्तों आगे वाला उस पर्टिकुलर वायर पे जितना भी लोड है वो सब आगे जाकर के आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, हालांकि अच्छा ही है कि आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर, इसको कॉन्फिगर करना थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड कह सकते हैं वायर देन अदर टोपोलॉजीज, तो ये आपके लिए थोड़ा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैश टोपोलॉजी। मैश क्या होता है दोस्तों, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसी में होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ जुड़ा। अब अगर तीन कंप्यूटर दोस्तों, तो तीनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा हूं, मतलब अगर यहां अगर मैं चार कंप्यूटर जोड़ रहा हूं तो दोस्तों मुझे यहां पर छह वायर की अलग अलग जरूरत होगी। कंप्यूटर ए बी से भी जुड़ेगा, कंप्यूटर ए सी से भी जुड़ेगा, कंप्यूटर ए डी से भी जुड़ेगा, फिर कंप्यूटर बी क्योंकि ए से तो जुड़ चुका था, अब वो बी से भी जुड़ेगा, डी से भी जुड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों इसको अपन सेटअप करें तो बहुत मुश्किल आपके लिए होता है, लेकिन ये है कि अगर कोई भी एक सिस्टम गड़बड़ हो, कोई एक पर्टिकुलर पाथ में इश्यू हो, तो दोस्तों डेटा आपका जा सकता है। मतलब सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर अपन कहें तो यही आपके पास होता है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करना, इस नेटवर्क को बनाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो बात करते हैं मैश टोपोलॉजी क्या है, इज अ नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। एक कंप्यूटर दूसरे सभी के साथ जुड़ा होता है। दिस टोपोलॉजी सेटअप अलाउज फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गोज डाउन। तो अगर कोई सिस्टम में इशू हो भी जाता है तो भी आप दोस्तों इसके ऊपर पूरा बिलीव कर सकते हैं, रिलायबल आपके पास होती है। इसके कुछ एडवांटेज है, वो क्या है कि मैनेजेस हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि इसमें इतने सारा डेटा आप भेज सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इन सभी को हाई अमाउंट का जो ट्रैफिक आपके पास होता है उसको भी ये मैनेज कर सकता है, बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। इसके साथ बात कर सकते हैं फेलियर ऑफ वन डिवाइसेस डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो आपका जो डेटा है, अगर कोई एक नोड एक डिवाइस अगर आपका गड़बड़ हो भी गया तो दोस्तों आप जो है वो मल्टीपल पाथ के साथ कनेक्ट है, इससे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वाले पाथ से भेज दो, दूसरे में इशू है तो तीसरे में, इस तरीके से मल्टीपल पाथ आपके पास होते हैं, ये सब इसके एडवांटेज है। फिर कह सकते हैं एडिंग एडिशनल डिवाइसेज डज नॉट कह सकते हैं डिसरप्ट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेज। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे एडवांटेज, और इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज को लेकर के। कॉस्ट जो है वो सभी ज्यादा हाई होगी, क्योंकि इसकी केबलिंग जो है वो सबसे ज्यादा आपके पास होती है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इसको बनाना जो है वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी आपके पास होते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर जो कनेक्शंस आप बना रहे हैं, ठीक है, द चांस ऑफ रिडंडेंट कनेक्शन इज हाई विच एड्स टू द हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल फॉर रिड्यूस एफिशिएंसी। तो उसको रिड्यूस करने, एफिशिएंसी को रिड्यूस करने में ये पोटेंशियल आपके पास होती है, और कॉस्ट में इसकी थोड़ी हाई होती है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, एक कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर हो गया, एक बस का और रिंग का हो गया, रिंग और स्टार का हो गया, नैश और ट्री का हो गया, मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज जब मिक्स हो जाती है तो वो आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है, मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट टोपोलॉजी विच हैज मेनी एडवांटेज। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और हालांकि डिसएडवांटेज भी आपके पास होते हैं कि जो टोपोलॉजीज को आप जोड़ रहे हो, मल्टीपल टोपोलॉजीज को अगर आप कनेक्ट करें तो उसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों होंगे। तो यहाँ आपके लिए एडवांटेज थोड़े ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप इजीली इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। For all the कह सकते हैं constituent between topologies rather than having characteristics of one specific topologies। तो यहाँ आपके पास जो है वो इन सभी का मिक्सचर आपके पास हो जाता है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज को लेकर के, क्या कि नेटवर्किंग डिवाइसेज क्या होते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेज होते हैं जिसके थ्रू दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों अपने पास में एक कॉमन नाम आता है हब, एक नाम आता है दोस्तों अपने पास में स्विच, तो ये क्या करते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स को या कुछ नेटवर्क्स को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्रिज, राउटर या गेटवे को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है आपके नेटवर्क की तो आप उसमें रिपीटर यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में तो आप यूज कर सकते हैं मॉडेम। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक RJ45 कनेक्टर। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं दोस्तों जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक डिवाइस है, इस डिवाइस को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं मॉडेम। मॉडेम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि मॉड्यूलेटर एक ऐसी मशीन, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल को एनालॉग में बदलना। मतलब अगर मैं अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ तो दोस्तों इस समय पे मेरे कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है डिजिटल फॉर्मेट में। और दोस्तों इस डेटा को जब मैं भेजता हूँ वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, जब सर्वर पे भेजता हूँ या एक नेटवर्क में कहीं पर भी भेजता हूँ तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जाती है एनालॉग फॉर्मेट में। तो डिजिटल को एनालॉग फॉर्मेट में बदलने का काम क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। इसको अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। तो ये है कौन, काम कौन कर रहा है दोस्तों? मॉड्यूलेटर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जब अपन नेटवर्क से डेटा को लेते हैं तो दोस्तों डेटा आता किस फॉर्म में आपके पास? एनालॉग फॉर्मेट में। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों? उस एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटल में बदलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है? डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। तो देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मेरे साइड से जब डेटा जा रहा है तो अपने पास क्या बोलते हैं अपन? मॉड्यूलेशन। मतलब सेंडर की साइड से जा रहा है ना तो अपन क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। मतलब डिजिटल टू एनालॉग। और जब आ रहा है तो दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों यहां पर ये जो मॉडेम है इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये क्या है दोस्तों? एक डिवाइस है। इमेज देख ही रहे होंगे आप। ये क्या है दोस्तों? आपके पास एक डिवाइस है। इज अ डिवाइस विच अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन। आप दोस्तों टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शंस में इस डिवाइस को यूज करते हैं जिससे कि आपके सिग्नल्स जो है, आपका जो डेटा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं दोस्तों कि अ मॉडेम चेंजेस द डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा जो है उसको एनालॉग डेटा में बदलता है और एनालॉग सिग्नल्स को फिर से डिजिटल डेटा में ये बदल सकता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसी टाइप से कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये जो प्रोसेस होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉड्यूलेशन। और जब आता है तो एनालॉग को डिजिटल में बदलना, उसको क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा कंप्यूटर जो है वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट पे काम करता है, जबकि जब सिग्नल्स आते और जाते हैं तो वो हमेशा एनालॉग फॉर्मेट में जाते हैं। तो डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास में मॉड्यूलेशन को लेकर के, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉडेम
कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार दोस्तों आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज कि 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 4 डिवाइसेस के नाम है जिनको आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो इसमें मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने आता है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं दोस्तों कि मॉडेम आपके पास 2 टाइप के आते हैं। एक होता है दोस्तों इंटरनल मॉडेम, जो मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है दोस्तों, वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी दोनों अवेलेबल करा सकता है। इस टाइम पे दोस्तों जब मैं वायरलेस कनेक्टिविटी यूज कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कोई मॉडेम नहीं है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने खुद ही वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदल दिया और आप सीधे सीधे भेज सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ है दोस्तों, उसको आपके मोबाइल के अंदर भी दोस्तों, इसके अंदर जो लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉडेम। और एक क्या होता है, एक एक्सटर्नल मॉडेम भी आता है, जब आप टेलीफोन कनेक्शन ले रहे होते हैं तो उसके साथ एक मॉडेम आता है, उसमें केबल निकलती है, उस केबल को अपन अपने डेस्कटॉप पीसी के अंदर या अपने लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल मॉडेम। तो दोस्तों मॉडेम 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल मॉडेम यानी कि फिक्स्ड विद इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे पहले से ही लगे हुए होते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं एक टाइप की इंटरनल मॉडेम की। और दूसरा होता है आपके पास एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या हो गया, द मॉडेम दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, यानी कि इस टाइप से आप एक मॉडेम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। मॉडेम आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी प्रोसेस को लेकर के, जो मॉड्यूलेशन आपके पास होता है, यानी कि जो मैं कह रहा था डिजिटल को एनालॉग में बदलना है, तो जो मॉड्यूलेशन है इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा ऑन अ वेव। इसमें क्या होता है, जो मॉड्यूलेशन हो रहा होता है वो 3 तरीके से हम लोग कह सकते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती है उनको अपन यूज कर सकते हैं, आपके लिए नाम जानना बहुत रहेगा। एक होता है दोस्तों AM, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, मॉड्यूलेशन है। इसी टाइप से आप कह सकते हैं FM है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपके पास हो जाएगी। और एक आपके पास है PM, जिसमें अपन कह सकते हैं फेज मॉड्यूलेशन। तो अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन आपके पास होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक नेक्स्ट नाम जो आप देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कनेक्टर, इस कनेक्टर को अपन बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, और पीछे ये जो है वो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। RJ45 की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रजिस्टर्ड जैक 45, याद रखिएगा RJ45 इक्वल्स टू रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। RJ45 जो है उसमें 8 वायर कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें 8 अलग अलग वायर्स होते हैं। ये एक आपका कनेक्टर होता है विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आपने अपने स्कूल्स के लैब में देखा होगा एक ऐसा वायर होता है ब्लू कलर या ग्रे कलर का होता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एक ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इस केबल को अपन अपने कंप्यूटर में कनेक्ट जहाँ करते हैं, आपके सिस्टम में जो एक स्लॉट होता है जहाँ अपन इस केबल को डालते हैं, उसमें डालने के लिए अपन को क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए, जिससे कि उस केबल को अपन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है दोस्तों, RJ45 कनेक्टर, ये सिंपल सा एक कनेक्टर होता है। लैन स्पेसिफिक कह सकते हैं स्पेशली इथरनेट, जबकि अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इथरनेट में या लोकल एरिया नेटवर्क में अपन इसको यूज करते हैं। अब दोस्तों इथरनेट का मतलब क्या है, इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर, बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक लैन का आर्किटेक्चर होता है, जिसको किसने डेवलप किया, डेवलप्ड बाय ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने अलोंग विद DEC एंड इंटेल, इन कंपनीज के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया इथरनेट को। इसके बाद बात कर सकते हैं इथरनेट जो होता है दोस्तों वो यूजेस आइदर अ बस और स्टार टोपोलॉजी, आप जो है वो बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हुए इथरनेट बना सकते हैं। एंड सपोर्ट्स डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps, जो 10 Mbps, 10 MB, याद रखिएगा दोस्तों Mbps की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है आपके पास मेगाबिट पर सेकंड, क्योंकि बी स्मॉल है। कई बार दोस्तों आप बी स्मॉल देखते हैं तो मेगाबिट होती है, और कई बार ये बी अगर आप कैपिटल देखते हैं तो दोस्तों होता है बाइट, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। तो यहाँ है 10 Mbps यानी कि मेगाबिट पर सेकंड। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कनेक्टर कुछ इस टाइप से दिखते हैं आपके सामने, आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास नाम आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन NIC। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये एक टाइप की चिप होती है दोस्तों, जिसको अपन अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। हम हमारे डेस्कटॉप पे इसको यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं। आजकल दोस्तों ये आपके पास पहले से आपके सिस्टम में लगी हुई आती है, मदरबोर्ड में लगी हुई आती है, इसको बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में इस चिप का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन एंड द सर्वर एंड हेल्प्स द वर्क स्टेशन एस्टेब्लिश द ऑल इम्पॉर्टेंट कनेक्शन विद द नेटवर्क। तो अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उसमें चाहे सर्वर हो, चाहे वर्क स्टेशन हो,
कोई भी कंप्यूटर दोस्तों, वो सबको आपस में जोड़ने के लिए आपको इस टाइप के डिवाइस की जरूरत पड़ती है। द एनआईसी इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, इसको आप TAP टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट नेम फॉर द इंटरफेस। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये कंपनीज जो इसको बनाती है वो दोस्तों इसका एक यूनिक नंबर भी रखती है। जैसे मैं कह सकता हूँ, अपन जब गाड़ी परचेज करते हैं तो उसके जैसे कह सकते हैं कि उसके इंजन के ऊपर जैसे नंबर लिखा होता है, इसी टाइप से दोस्तों ये जब बनाया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब बनाया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर इसका एक नंबर डालता है जिसको अपन मैक एड्रेस बोलते हैं। हर डिवाइसेस दोस्तों जो कि नेटवर्क के साथ जुड़ता है, उसके अंदर अपन कह सकते हैं उसका एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इस चीज को भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। द NIC इज ऑल्सो कॉल्ड, NIC को जो है आप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से बात कर सकते हैं, NIC मैन्युफैक्चरर असाइंड अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड, दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस। तो जैसा मैं कह रहा था, हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी। ठीक है, मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसा है, तो अपन देखते हैं। मैक एड्रेस इज अ 6-byte एड्रेस विथ ईच बाइट सेपरेटेड बाय अ कॉलन। जैसे अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो दोस्तों इस टाइप से आपको कुल मिलाकर के 12 डिजिट्स मिलती है। ठीक है, जिसमें 6-6 बाइट का आपके पास होता है, तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 12 नंबर्स आपके पास है, 12 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेके F तक, तो 10BF03632EFC। ये सपोज किसी डिवाइस का मैक एड्रेस है, आपके फोन का भी होगा। अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं और वहां जाकर के टाइप करें MAC, तो आप देखेंगे दोस्तों वहां आपको दिखाई देगा आपके सिस्टम का मैक एड्रेस। ऐसे ही आपके कंप्यूटर का, आपके घर में जो भी डिवाइसेस है दोस्तों जो नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं एक मैक एड्रेस जरूर होता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, तो अपने पास एक नाम आता है हब। हब जो है ये आपके पास जस्ट अ कनेक्टिंग डिवाइस होता है। यानी कि दोस्तों मेरे कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं अपने ऑफिस में, सपोज दोस्तों 10 कंप्यूटर है, अगर उन 10 ही कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहां पर दोस्तों यूज कर सकता हूं अपने डिवाइस हब को लेकर के। हब क्या करता है, जो भी डेटा आता है वो दोस्तों सभी को वापस एज इट इज सेंड कर देता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। हब जो है जितना भी डेटा हब के पास आता है वो बिना सोचे समझे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं भेजता, उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है वो इन्फॉर्मेशन सभी कंप्यूटर्स को भेज देता है। इससे बचने के लिए आप स्विच को भी यूज करते हैं, क्योंकि वो मैक एड्रेस को यूज करते हुए डेटा को भेजता है। तो हब क्या है, हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। अ हब कंटेंट मल्टीपल इंडिपेंडेंट बट कनेक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट, कह सकते हैं कि इंटरनेटवर्क इक्विपमेंट। तो जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उन सभी को कनेक्ट करने का काम ये हब करता है। हब्स आर मल्टी स्लॉट कनेक्टर, बेसिकली एक टाइप का कनेक्टर होता है, बहुत सारे कनेक्टर्स इसमें स्लॉट्स हो सकते हैं। मोस्टली दोस्तों 4 का मिलता है, 8 का मिलता है, 16 का मिलता है और 24 का, 4, 8, 16 और 24 आपके पास स्लॉट्स के आपको हब देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। Into which a number of multi-port cards can be plugged to provide additional access as the network grow in size. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 कंप्यूटर जोड़ने, तो आप एक 4 स्लॉट्स का जो है वो एक हब खरीद सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है ज़्यादा का चाहिए, तो आप उससे बड़ा 8 का मिल जाएगा, 16 का मिल जाएगा, 24 का मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपको कंप्यूटर जोड़ने, जैसे कि आपके पास दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 30 कंप्यूटर हो, तो उनको कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको फिर 2 हब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक हब की केबल दूसरे हब में आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपन अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं, तो उनको आपस में किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, तो वैसे ही है आपके पास यहां पर हब को आप यूज कर सकते हैं। अब अगर अपन हब के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हब आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हब क्या करता है दोस्तों, कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली एम्प्लीफाई द सिग्नल्स एज इट मूव फ्रॉम वन कनेक्ट डिवाइस टू अनदर। जैसे ही एक कनेक्टेड डिवाइस आपके पास है, वहां से जो डेटा आ रहा है दोस्तों उसको एम्प्लीफाई करने का काम, जो इलेक्ट्रिकली एम्प्लीफाई करता है सिग्नल को, बूस्ट करता है और फिर उसको आगे पास करता है। एक्टिव कनेक्टर्स आर यूज लाइक रिपीटर, यानी कि ये आपके रिपीटर की तरह काम करता है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट करके फिर ये आगे भेजता है अगर सिग्नल वीक हो रहे हैं तो। लेकिन अगर अपन बात करते हैं उल्टा, पैसिव हब क्या करता है, पैसिव हब कुछ नहीं करता है, जो डेटा आया है एज इट इज भेज दिया, कोई बूस्ट करने का काम नहीं करता है। तो कह सकते हैं पैसिव हब्स अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर विदाउट एनी चेंजेस। तो एक्टिव हब क्या करता है दोस्तों, उसको एक्टिवली या कह सकते हैं उसको बूस्ट करने का काम भी करता है, जैसे कि रिपीटर काम करता है।
एक नाम आता है दोस्तों स्विच। अब स्विच और हब लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हब में क्या होता है दोस्तों, जो भी डेटा आता है वो सभी को जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे कंप्यूटर लैब के अंदर दोस्तों, अगर सपोज 40 कंप्यूटर्स हैं और 40 कंप्यूटर्स को अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है हब के साथ, तो दोस्तों अगर कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर सी को एक मैसेज भेजना चाहता है तो होगा क्या दोस्तों, वो मैसेज जो हब के थ्रू जा रहा है वो सभी के सभी डिवाइसेस पे जा सकता है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच। तो जनरली दोस्तों हम लोग हब की जगह क्या यूज़ करते हैं, स्विच को यूज़ करते हैं, क्योंकि स्विच क्या करता है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे, कह सकते हैं एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आपके डेटा को ट्रेवल करवा सकता है। ठीक है, तो कहेंगे अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क कॉल्ड सबनेट और लैन सेगमेंट। तो ये आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज है वहां आपके डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद बाद में बात करते हैं दोस्तों, सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। तो ये यहां पर इसको भी ध्यान रखता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग को भी मेंटेन करता है। इसी टाइप से बात करेंगे, स्विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, ये फिल्टर भी करता है ट्रांसफरिंग, कह सकते हैं जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ध्यान रखेगा, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक वे एंड फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट। तो लैन सेगमेंट के बीच में जो भी डिवाइसेज हैं उन सभी के अंदर उनको कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक कौन सा वे रहेगा उसको ध्यान रखने का काम, डेटा ट्रांसफर करने का काम, फिल्टर करने का काम, ये सब स्विच कर सकता है। इसी टाइप से कहेंगे स्विच कैन सपोर्ट एनी पैकेट कंट्रोल, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जो पैकेट्स प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, पैकेट प्रोटोकॉल को। इसी टाइप से कह सकते हैं लेंस दैट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच्ड लैन, ठीक है, तो यहाँ आप जो है वो स्विच्ड लैन भी कहते हैं क्योंकि आप स्विच के साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट नाम आता है आपके पास रिपीटर। रिपीटर क्या करता है दोस्तों, जो आपके सिग्नल्स हैं आपने देखा होगा, जैसे दोस्तों डिक्स कनेक्शन के केबल्स आपने देख रखे होंगे, सड़कों पे जो केबल लगी होती है उसके नीचे बीच में आपने देखा होगा एक डिवाइस लटक रहा होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रिपीटर। मतलब एक इतनी दूर से जो डेटा आपके पास आ रहा है दोस्तों, वो डेटा जब आगे तक जाएगा तो उसकी जो सिग्नल की जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे वीक पड़ जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ को फिर से रिबूस्ट करने का काम किसका होता है, रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल्स आए हैं उसको रिबूस्ट करेगा, फिर वो रीट्रांसफर का काम भी करता है रिपीटर, ठीक है। तो रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल बिटवीन, कह सकते हैं सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क, तो जो भी सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करता है, उनको बूस्ट करता है और फिर आगे भेजता है। इट इज़ यूज टू लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स, अगर आपके पास लाइन केबल है उसके थ्रू अगर अपन डेटा भेज रहे हैं और एक डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स है उसमें आप इसको यूज़ करते हैं, विच एक्सीड द मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस फॉर अ कह सकते हैं सिंगल रन। तो एक केबल पे अगर आपका डेटा जा रहा है और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ अपन रिपीटर को यूज़ करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक नाम आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है दोस्तों, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कर सकता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ सकता है, कुछ डिवाइसेस को जोड़ने का काम है तो ये ब्रिज कर सकता है, ब्रिज, राउटर और गेटवे भी। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज अ डिवाइस दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क टुगेदर, दो नेटवर्क हैं उनको जोड़ने का काम ये करता है। ब्रिजेस आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड ऑन द ब्रिज, तो कौन सा कंप्यूटर ब्रिज के इस तरफ है या इस तरफ है वो सब उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि हम एक नेटवर्क को जब जोड़ रहे होते हैं तो हर नेट मतलब कह सकते हैं नेटवर्क के हर डिवाइसेस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, कौन सा डेटा आ रहा है और उस नेटवर्क के दूसरे वाले पार्ट पे कौन से वाले सिस्टम को डेटा भेजना है, तो वो स्मार्ट होता है ब्रिज, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे, सो दे ओनली अलाउज दोज मैसेजेस दैट नीड टू गेट टू द अदर साइड टू क्रॉस द ब्रिज, तो वो डेटा जिसको एक साइड से दूसरे साइड पे भेजना है वो स्मार्ट तरीके से डेटा को लेकर के जाएगा। ब्रिजेस कैन हैंडल्स या कह सकते हैं नेटवर्क दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो दोस्तों प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मतलब क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपके सेम होने चाहिए। इसके साथ साथ अपन क्या बोल सकते हैं कि यह आपके पास नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो होता है जिसको टोपोलॉजीज कहते हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों उन सभी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो सब भी आपके कॉमन होने चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको ब्रिज को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपके सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंसेस आते हैं तो आप ब्रिज को यूज नहीं कर सकते, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, राउटर की। राउटर, इसको अपन रूटर भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रूट भी डिसाइड करता है, तो रूटर या राउटर कुछ भी कह सकते हैं। ये आपने लोगों ने देख रखा होगा, आपके घर पर भी हो सकता है वाईफाई राउटर जिसको अपन कहते हैं। तो राउटर क्या होता है दोस्तों, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को ये यूज़ कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट वर्क
लाइक अ ब्रिज, ये बिल्कुल ब्रिज की तरह ही आपके पास होता है, बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ये अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर सकता है, इज नोन एज अ राउटर. फॉर एग्जाम्पल अ राउटर कैन लिंक इथरनेट टू अ मेन फ्रेम, मतलब एक साइड में आपके पास एक इथरनेट है, आपके पास एक नेटवर्क, और एक साइड में आपके पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो आप राउटर यूज कर सकते हैं. द राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क, एक नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क में डेटा भेजने का काम राउटर करता है. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे मेरे घर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास है iOS, यानी कि आईफोन है मेरे पास, मेरी वाइफ के पास दोस्तों वहाँ पर है एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे घर में जो स्मार्ट टीवी लगी है उसका अपना अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी टाइप से मेरे लैपटॉप के अंदर, एक लैपटॉप में दोस्तों मेरे पास कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें विंडोज़, और एक के अंदर दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर लिनक्स जिसका उबंटू पार्ट. तो ये अलग अलग जो अपने डिवाइसेस, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स अपने पास, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इन सभी को अगर अपन कनेक्ट करना चाहें तो दोस्तों ब्रिज के साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, राउटर. ठीक है, राउटर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट नाम आता है गेटवे. गेटवे क्या होता है दोस्तों, जनरली इसको यूज किया जाता है बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर वो कंपनीज जो नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है उनके थ्रू, मतलब ना सॉफ्टवेयर आपके एक जैसे, सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग, मशीन सबकी अलग अलग, प्रोटोकॉल सबके अलग अलग, आर्किटेक्चर भी सबके अलग अलग हैं, तो उस टाइम पर अपन यूज कर सकते हैं गेटवे को. गेटवे क्या होता है, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क, दो नेटवर्क है, दोनों दोस्तों डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क है, एक लैन है एक वैन है सपोज, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग टोपोलॉजीज उनमें यूज आ रहे हैं, बिल्कुल डिसिमिलर टाइप के अगर नेटवर्क आपके पास है तो अपन वहां पर उन दो डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे को यूज करते हैं. जनरली ये क्या करते हैं दोस्तों, दो डिसिमिलर नेटवर्क को, सिमिलर भी हो सकते हैं लेकिन जनरली डिसिमिलर के लिए अपन इसको यूज करते हैं. क्या होता है दोस्तों, जब इसमें डेटा आपका आता है तो एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने का काम ये करता है. तो कह सकते हैं गेटवे इज एक्चुअली अ नोड ऑन अ नेटवर्क दैट सर्व एज एन कह सकते हैं एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क. ठीक है, तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में आने जाने की परमिशन ही आप दे सकते हैं इस डिवाइसेस के थ्रू. ठीक है, इन एंटरप्राइज द गेटवे इज द कंप्यूटर दैट रूट्स द ट्रैफिक फ्रॉम वर्क वन कह सकते हैं फ्रॉम वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क. तो ये सिंपल सी लाइन है दोस्तों, आपके पास जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ जाएगा वो रूट डिसाइड भी यही कर लेता है. ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वेब पेजेस वगैरह को यूज करने के लिए उसके कंटेंट को, क्योंकि डिसिमिलर टाइप के आपके पास में यहाँ पर जो डेटाज हो सकता है, फॉर्मेट स्ट्रक्चर वो सब कुछ अलग है, तो यहाँ अपन क्या यूज कर सकते हैं, गेटवे को अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन होम्स द गेटवे इज द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट कनेक्ट्स द यूजर टू द इंटरनेट. तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, कंपनी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ISP जैसे Airtel या BSNL या और भी, तो वो आप वापस में आप क्या यूज कर सकते होंगे दोस्तों, गेटवे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अगर अपन बात करें गेटवे क्या हो गया, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, इट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन. ठीक है, बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विथ कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उनको कंप्लीटली जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ने का काम गेटवे करता है. इसके बाद दोस्तों आपके पास एक नाम आता है वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड क्या होता है, जिसके थ्रू अपन अपने लैपटॉप में वाईफाई को यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में अपन वाईफाई को यूज कर पा रहे हैं, तो ये कार्ड आता है दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर में आप अपन लगा सकते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा एक छोटी सी चिप भी आती है, USB स्लॉट आता है, उसमें अपन USB में उसको कनेक्ट करते हैं और अपना कंप्यूटर जो वो वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, डेस्कटॉप भी. ठीक है, लैपटॉप में तो इंटरनली आता ही है ये कार्ड, अगर आप डेस्कटॉप की बात करें, पहले का कोई कंप्यूटर पड़ा है तो उसमें भी अपन वाईफाई स्लॉट जो है उसमें अपन कनेक्ट करवा सकते हैं. तो वाईफाई कार्ड क्या है, वाईफाई कार्ड इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर होता है बेसिकली ये. ठीक है, विद द बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना, तो उसके अंदर ही वायरलेस रेडियो एंड एंटीना लगा होता है जिसके थ्रू अपन जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ठीक है, तो अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हैं. PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड होता है मेड टू फिट द PCI एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड. ठीक है, तो आप इसको जो है अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं. इसी टाइप से बात करते हैं दोस्तों कि प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ वाईफाई कार्ड इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दैट इट अलाउज यू टू सेटअप योर वर्क स्टेशन और होम ऑफिस विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉक्सिमिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ
हार्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस, तो वहाँ आपको फिर जो है वो वायर की जरूरत नहीं होती। इसको सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो बिना वायर के भी आप अपने ऑफिस में किसी भी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप कुछ कार्ड देख रहे होंगे इमेजेस में, ये आपके पास क्या है दोस्तों, वाईफाई कार्ड है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, लगभग सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे हैं इसको आप जरूर लाइक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके कोई कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट है, तो दोस्तों आप जरूर मुझे यहाँ पर लिखिए। आपके माइंड में कोई डाउट है तो दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।